Hi, and a very good evening to all of you. I hope you all are doing good and making maximum utilization of your time towards preparing for the RBI Grade B exam. As just over 40 days are left for the exam, I do understand and feel your level of anxiety, stress, and confusion. And therefore, I am here to talk to you and give you ultimate guidelines on writing finance answers. स yes. तो so, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंस रिलेटेड जो आंसर्स होते हैं फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को हमें कैसे अप्रोच करना है इन आर एग्जामिनेशन राइट एंड एज इट इज ऑलवेज सेड कि वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स सो दैट हम वो मिस्टेक्स ना करें

ट स्टार्टेड सबसे पहले वी आर गोइंग टू लूक एट द्वेश्चन टू डि इन टू डेज क्लास आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ दिस क्वेश्चन आप ऐसा लेवल एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट एंड फॉर्मर्स वाई इज दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे न्यूज आप हमेशा ये पढ़ते रहते रह, रहे होगे कि फाइनेंशियल इनोवेशन हो रहे हैं सो रिगार्डिंग so उसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है लेट्स रीड द्वेश्चन एंड सी वट ऑल वी कैन इंक्लूड इन सच अ क्वेश्चन the focus of RBI has always been on encouraging innovation

प्रैक्टिस कर रहे हो या आपके जब फाइनल एग्जाम्स में आप लिखोगे फाइनल जब आप बैठोगे अपना फेस टू के एग्जाम देने ऑलवेज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज टू आइडेंटिफाई की वर्ड एंड अंडरस्टैंड वट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है अब आपने जल्दीबाजी में पढ़ा आपको लगा अच्छा फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी की इनिशिएटिव्स आरबीआई ने लिया है आप सारी चीजें वहां पे लिख दोगे दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज The the question question says and the question talks about the focus of rbi has always been on encouraging innovation rbi kaise innovation encourage karta hai कैसे and foremost करता है aapko dhyan rakhna hai second फाइनेंशियल स्पेस में वो सारे इनोवेशन को एंकरेज कर रहा है एंड थर्ड हाउ इज आरबीआई ट्राइंग टू एंकरेज इनोवेशन बाबलिंग बाई प्रोवाइडिंग एंड एनेबलिंग एनवाइ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन की पे ध्यान नहीं देंगे और फिर अपने answers में ऐसे पॉइंटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे जो होने चाहिए और कुछ भी रैंडम चीजें अपने आंसर्स में डाल देंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कीवर्ड तीन कीवर्ड हमें मिले फर्स्ट आरबीआई दैट इट हैज ऑलवेज बीन एनकरेजिंग इनोवेशन कहां पे फाइनेंशियल स्पेस में फाइनेंशियल सेक्टर में एंड थर्ड हाउ इज आरबीआई डूइंग दैट बाय प्रोवाइडिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट तो ये हो गया एक स्टेटमेंट नाउ इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एल्यूसिडेट द की इनिशियव दैट हैज बीन टेकन बाय आरबीआई इन द फाइनेंशियल सेक्टर तो अब बच्चे क्या करेंगे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ यू यू विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग द आंसर और इंट्रोडक्शन पे आप ज्यादा फोकस नहीं करते फॉर एग्जांपल यहां पे मेनी ऑफ यू आपके दिमाग में ज्यादा इंट्रोडक्शन आ भी नहीं रहा होगा आप क्या करोगे कुछ भी दो लाइन लिखा एंड देन यू स्टार्ट विद द की इनिशिएटिव्स दैट हैज हैज बीन बीन दैट टेकन अप बाय आरबीआई दैट विल बी रॉन्ग Whenever you see a statement, or there are interlinkages hai between the question that has been asked and the statement that has been given, in that case, always make sure that you say lines, something to the statement. Ke bhi bolo. So here, you can talk about an introduction part. How RBI always promote, apart from promoting macroeconomic stability, another functions of RBI also includes providing financial innovation. जिसकी वजह से आरबीआई बहुत सारे पॉइंट भी आप अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ब्रीफली इंक्लूड कर सकते हो तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया नाउ इन द बॉडी पार्ट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस इनिशियटिव टेकन बाई आरबीआई अब इन को मोस्ट ऑफ यू आप क्या करते हो आप बस डायरेक्टली पॉइंट्स लिख देते हो पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल कुछ लोग बस वन एंड दे स्टार्ट राइटिंग पैराग्राफ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं दैट इज रॉन्ग हैंडिंग यू आर आर गोइंग गोइंग टू टू डू इज यू यू राइट फर्स्ट हेडिंग सपोज टॉक अबाउट रिजर्व बैंक इनोवेशन हब सेक्शन एट कंपनी दैट वॉज फॉर्मड बाई आर आपने ये लिखा उसके बाद कॉलम दो एंड देन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर्स इससे क्या होगा दी एग्जामिनर आप खुद सोचो यार अगर कोई एग्जामिनर है दे हैव थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज टू टू बी वो आपका पूरा आंसर आंसर पढ़ने नहीं बैठेगा सो इवन इफ हैज गिवन यू अगर आपको कोई आंसर प्रोवाइड करे और आपको बोले कि आप इसको चेक करो आप क्या करोगे आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे कंक्लूजन पार्ट पढ़ोगे एंड बॉडी में यू विल जस्ट ट्राई टू सी वट ऑल पॉइंट इंक्लूडेड बाई दी स्टूडेंट राइट सो उस एग्जामिनर के परस्पेक्टिव से भी हमें सोचना है और हमें ऐसे है सो दट एग्जामिनर कैन गो थ्रू यूर आंसर क्विकली स्किम आंसर फ्रॉम यूर आंसर आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो देर विल बी सर्टन इनिशियटिव फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक इनोवेशन हम इसके अलावा रेगुलेटरी सेंड बक्स हो गए न्यू फिनटेक डिपार्टमेंट वो आज स्टार्टेड बाई आर बी आई इंटरनल डिपार्टमेंट बहुत लोगों ने इसको इंक्लूड नहीं करते बट दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इंक्लूड करना है इसके अलावा आप क्या बात कर सकते हैं यू कैन टॉक अबाउट टू कंक्लूड यूर आंसर अब कंक्लूजन में हमेशा याद रखना इधर यू विल वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी कोई भी आंसर हो स्पेसिफिकली अगर हम फाइनेंस की भी बात करें आपका कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए दस बिकॉज ऑफ दीज आरबीआई हैज आई हैजिनबलिंग आरबीआई हैज बिन प्रोवाइडिंग और एंकरेजिंग इनोवेशन इन फाइनेंशियल स्पेस दिस कैन नेवर बी कंक्लूजन फॉर एन आंसर एट दिस लेवल राइट यूर अपेयरिंग फॉर सच एग्जामिनेशन ऐसे कंक्लूजन एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है सो वट दस दी एग्जामिनर एक्सपेक्ट दी एग्जामिनर वॉन्ट्स यू टू राइट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ वे फॉरवर्ड और यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्टन काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट प्लीज ये वर्ड याद रखना कॉन्ट्रास्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इनोवेशन राइट इनोवेशन की बात कर रही है तो आप अपने कंक्लूजन में ये लिखोगे नो डाउट आरबीआई हैज बिन प्रोवाइडिंग एंड एनकरेजिंग इनोवेशन इन दाइनेंशियल स्पेस बट RBI as the guardian of the financial stability. Financial stability being a very important function of RBI, RBI should also keep a watch on these innovations that are being done each day.

उसको आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो लि लिख सकते हो सो दैट एग्जामिनर कैन जस्ट किम ईजिल एंड क्विकली अपार्ट फ्रॉम दैट दर्सन इज ऑल्सो टॉक्ट RBIH. पर ये चीजें आपको यहाँ पे मेजर में लिखना है सीबीडीसी टॉक्ट अबाउट हाउ एवर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज रेगुलेटरी regulatory sandbox, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात नहीं की गई है यहाँ पे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फिनटेक डिपार्टमेंट ऑफ RBI. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अपने इस आंसर में ऐसे आंसर में मिस नहीं कर सकते लेट्स टॉक अबाउट दी सेकेंड आंसर नाउ

Along with the government, it's not that RBI alone does all of these, along with the support of the government, they are responsible for maintaining the orderly functioning of the banking structure. So, it, again, it's a very good introduction. Pointers, ki baat kare, abhi, this is the thing that I was talking to you about. In one day, headings provide kari hai, RBIH, then explanation has been provided, FinTech Department of RBI, Regulatory Sandbox, NPCI, Guidelines for NBFCs in FinTech, whereby they've talked about NBFC. So जेस प्रोग्राम है right? यहाँ पे आप जो एक मेजर चीज देख सकते हो दैट इज द यूज ऑफ एग्जाम्पल सो वेर एवर पॉसिबल वन थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस सैम्पल आंसर इज दैट आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करने हैं जहां भी पॉसिबल हो तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रोवाइड किया एंड दिस कैन बी प्रोवाइडेड ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली करंट करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो देख रहे हो तभी आप ऐसे आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हो राइट हेवर सी इट इज अ वेरी गुड आंसर बट अगर इन्होंने इस कंक्लूजन पे भी थोड़ा सा काम किया होता फॉर एग्जाम्पल द कंक्लूजन इज जस्ट अ सिंपल वन कॉन्ट्रास्ट या फिर वे फॉरवर्ड ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है

आई so होप आपको समझ में आ गया कि क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या हम सीख सकते हैं ठीक है तो एग्जाम्पल्स वेन एवर पॉसिबल वेर एवर पॉसिबल प्लीज मेक यूज ऑफ सच एग्जाम्पल्स नाउ दिस इज अनादर कॉपी अम्पल कॉपी यहां पर देखो द स्टूडेंट हैबाउट एल टी आर ओ एंड नोस्ट्रो अकाउंट डू यू रियली थिंक दीज आर सर्टन फाइनेंशियल इनोवेशन दैट आर बी आई एंकरेजेस एंड ऑल्सो डरबीआई प्रोवाइड एन एनेबलिंग एनवायरमेंट दिस वॉज अ टूल दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाई आर बी आई इन ऑर्डर टू सर दिस वॉज अ टूल इन ऑर्डर इकोनॉमी फॉर मैक्रो इकोनॉमी ये टूल आरबीआई लेकर आई थी बट क्या फाइनेंशियल स्पेस के लिए एल टी आर ओ विट मेक सेंस दैट आर बी आई इज प्रोवाइडिंग एन एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर एल टी आर ओ नो

अनादर एग्जाम्पल अनादर सैंपल कॉपी इसमें क्या प्रॉब्लम है आई जस्ट टेल यू द प्रॉब जो मुझे इसमें दिखी दी पर्सन हैज स्टार्ट विद इट डू यू स्टार्ट एनी आंसर विद इट नो तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि आप इट से कोई भी स्टेट में नहीं स्टार्ट कर सकते द फर्स्ट स्टेट में अगर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो इट कब हम यूज करते हैं अगर आपने उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया हाउ केन यू मेक यूज ऑफ द वर्ड इट तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है Iske alawa, we were talking about financial innovations, innovation in the financial space. The person talks about structural changes. For example, four-tier structure which was introduced in UCBs or NBFCs, gaya tha, these are not financial innovation and you cannot include such points. If points provide such the examiner will feel that the student is confused, the student ko pata the student is unable to identify and distinguish between what are innovations and what are the regulatory changes done.

गेट नाइंटी मिनट्स, जिसके अंदर आपको चार क्वेश्चन करने हैं एंड ट्रस्ट में आपको जितनी भी नॉलेज हो अगर आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इन नाइनटी मिनट्स में बाई आंसरिंग ऑल दिसरी क्वेश्चन आप रेस से बाहर हो सो वॉट एवर इज बी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द फोर आपको चारों आंसर्स लिखने हैं यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी ऑफ दी आंसर एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू राइट एनी जेनरिक आंसर फॉर एनी ऑफ दीज फोर क्वेश्चन अगर इतना टाइम लग रहा है दैट मीन्स योर टाइपिंग स्पीड इज स्लो एंड यू नीड टू प्रैक्टिस सो प्लीज प्रैक्टिस डो नॉट टेक डो नॉट टेक इतना ज्यादा टाइम राइट इतना ज्यादा टाइम लोगे तो आप रेस से बाहर हो सो दीज में सर्टन सैंपल आंसर आई वॉन्टेड टू शो टू यू एंड

कि आप कैसे अपने आंसर को लिखने वाले हो इंट्रोडक्शन होगी बॉडी होगी एंड फिर कंक्लूजन तो होगी होगी राइट हाउ एवर वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है की वर्ड आइडेंटिफाई करने हैं आफ्टर आइडेंटिफाइंग द की वर्ड यू आर गोइंग टू जस्ट जॉट इट डाउन वेरी ब्रीफली इन वन ऑफ द शीट फॉर एक्जाम्पल पेन से आप जॉट डाउन कर सकते हो कि लेट सपोज इंट्रोडक्शन में आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस फैक्ट और दिस इंफॉर्मेशन

क्या है इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ प्रॉब्लम द इज टू मेंटली ट्रेन यूर सेल्फ एंड दैट कुड हैपन ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही हो पाएगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हाउ कैन यू मेंटली ट्रेन यूर सेल्फ यू आर गोइंग टू राइट वन कंप्लीट पेपर कंसिस्टिंग ऑफ नाइनटी मिनट एट अच एक बार से एक बार में बैठ के 90 मिनट्स के अंदर आपको चार क्वेश्चन आंसर करना शुरू करना है राइट right? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें नॉलेज नहीं है हमारे पास कंटेंट नहीं है हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी है इफ यू नो दैट योर टाइपिंग स्पीड इज नॉट गुड अगर आपको पता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है आपको एक आंसर करने में फोर्टी फाइव मिनट्स लग रहा है ऑल दोज पीपल आपके पास जितना भी नॉलेज हो यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स एंड यू आर आउट ऑफ द रेस इफ यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस फॉर आंसर्स एंड फॉर दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस करना है सबसे पहले आपको क्या करोगे आपको एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट की तरह प्रैक्टिस करनी है वेर बाय यू आर गोइंग टू ट्राई टाइप योर आंसर्स ऑन की आप लैपटॉप का यूज नहीं करोगे यू विल परचेज अ की और उस पर प्रैक्टिस करोगे एमएस वर्ड पर नहीं करोगे बिकॉज ग्रामेटिकल लाइन्स और जो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले लाइन होते हैं ग्रीन एंड द रेड लाइन्स आर शोन ऑन एम एस वर्ड आप नोट पैड पर प्रैक्टिस करोगे और फिर उसको कॉपी पेज करोगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वट ऑल ग्रामेटिकल पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड

तो जब भी, भी आपका कोई भी आंसर खत्म होता है टेक आउट टू मिनट्स एंड देन गो थ्रू योर आंसर रिव्यू देम सो दैट ऑल ऑफ दीज स्मॉल क्लरिकल मिस्टेक्स कुड बी अवॉइडेड अगर आपका आंसर एरर फ्री होगा देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम ठीक है अदरवाइज फॉर एवरी स्पेलिंग मिस्टेक्स दैट यू डू फॉर एवरी ग्रामेटिकल एरर्स दैट यू डू हाफ मार्क्स इज बिंग डिडक्टेड चाहे वो आपका इंग्लिश का पेपर हो चाहे आपका ये पेपर्स हो ठीक है इसके अलावा एज आई हैव ऑल्सो मैंशन इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन एन एग्जाम लाइक एन दैट दिस टाइपिंग नॉइज जो होती है टाइपिंग नॉइज इसको प्ले करो एंड देन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर्स प्लीज फॉलो दिस स्पेशली दोज हुर अनेबल टू कम्प्लीट योर फोर आंसर्स इन नाइंटी मिनट्स जरूर करना इन ऑर्डर टू हैव हैव बेटर मार्क्स एंड बी बेटर प्रिपेयर फॉर द फेज टू एग्जाम अब बात करते हैं सेल्फ इवेलुएशन की इंपॉर्टेंस की अब ये भी डाउट आ सकते हैं कि मैम या सर हमने लिख लिया है आंसर हु इज गोइंग टू इवेलुएट या फिर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस दैट वी गिव टू आर सेल्फ आप क्वेश्चन खुद फॉर्मुलेट कर सकते हो एन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सारे हमने ही आंसर राइटिंग के सेशंस ले लिए हैं सारे वो क्वेश्चंस उठाओ और उसके आंसर्स लिखना शुरू करो एंड सेल्फ इवेलुएट से क्या होता है यू आर गोइंग टू रीड योर आंसर यू आर गोइंग टू कंपेयर यू आर गोइंग टू रीड द मॉडल आंसर यू विल कंपेयर योर आंसर विद द मॉडल आंसर एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने करे हैं सो इन अ वे यू आर रीडिंग डबल रीडिंग इट एंड देन फाइंडिंग आउट द मिस्टेक्स ऑन योर ओन और जब आप खुद कोई मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हो ना तो आप उसको रिफ्रेन करते हो दोबारा करने के लिए दोबारा कमिट ना हो आप उससे रिफ्रेन करते हो राइट सेल्फ सेल्फ्यूएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और आपको यह करना ही है फॉर ऑल योर आंसर गाइडलाइन आई वॉन्टेड टू गिव टू यू नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस एन आंसर अ मॉडल आंसर दैट आई अगेन दिस इज अ मॉडल आंसर जरूरी नहीं है कि आपको सेम यही लाइन वहां जाकर एग्जाम में चेपना है राइट एवरी पर्सन हैजिफरेंट परसपेक्टिव ऑफ राइटिंग एन आंसर तो आप यहां से बस आइडियाज ले सकते हो राइट right? अगर ऐसा कुछ आया तो मैं ऐसे या इस अप्रोच से एक आंसर लिख सकती हूँ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी अबाउट आरबीआई ने कैसे इंकरेज किया है इनोवेशन फाइनेंशियल स्पेस में एंड व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स दैट हैज बीन टेकन बाय आरबीआई तो अगर आप मेरा आंसर देखोगे देयर आर थ्री पैराग्राफ्स वेयर बाय आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ आरबीआई हैज फाइनेंशियल इनोवेशन और इनोवेशन हो क्यों रही है एंड वॉट इज दाई डर बी आई वाई आर बी एंकरेजिंग कुछ तो रीजन होगा ना इसलिए आर बी आईकरेज कर रही है तो ये रीजन मैंने फर्स्ट टू थ्री पैराग्राफ्स में लिखे हैं आप इसको कंसाइज कर सकते हो दो पैराग्राफ्स में या एक पैराग्राफ में भी कर सकते हो राइट right? इसके अलावा उसके बाद मेन बॉडी में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउटिव सो इससे क्या होता है आपका जो आंसर है वो बहुत ही ज्यादा हॉलिस्टिक हो जाता है द एग्जामिनर लाइक्स एंड अप्रीशियट्स फैक्ट कि आप बस जो पूछा है वो तो बता रहे हो बट आप एक लेवल एक्स्ट्रा दिस शोज दैट यू आर एनालिटिकल इन नेचर मतलब आप एनालाइज कर रहे हो क्वेश्चन को कि अगर आरबीआई बी एंकरेज कर रहा है इनोवेशन तो क्यों कर रहा है राइट right?

और यही चाहिए आरबीआई को एन एज एन ऑफिसर और एज ए मैनेजर एट आरबीआई आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए अगर नहीं है तो आप डेवलप करो ठीक है सो आईव रिटन विद इनिड प्रोग्रेस इन दल सर्विस पहले यह बताया कि इंडिया में वी कैन सी रैपिड ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर क्यों हुआ बिकॉज ऑफ पेन्येशन ऑफ इंटरनेट एडॉपशन ऑफ टेक्नोलॉजी राइट डीपनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाई आरबीआई और बाई दी गवर्नमेंट जनधन योजना सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया इसके वजह से हमें देखने को मिल रही है दैट देर हैज बीन अ रैपिड प्रोग्रेस इन दी फाइनेंशियल सर्विसेज द सेकंड पैराग्राफ मैंने बताया है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है कैसे टेक्नोलॉजी प्ले करता है एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है 24 7 पेमेंट सिस्टम आपको हैसल फ्री लोन प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपको लंबी लंबी लाइंस में लॉन्ग क्यू में खड़ा नहीं होना नाउ एवरीथिंग कुड बी डन एट द क्लिक ऑफ अ बटन ठीक है सो टेक्नोलॉजी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटलियंस इन रिस्पॉन्डिंग टू क्राइसिस लाइक कोविड नाइनटीन टेक्नोलॉजी विद फाइनेंस दैट इज इनोवेशन ऑल्सो इन शोर्ड सीमलेस डिस्बर्जल ऑफ लोन पेमेंट सिस्टम्स पेमेंट सिस्टम्स एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑल तो यहां पे मैंने बताया कि कैसे एंड वाई वॉट आर द रीजन एंड वाई इज आर बी आई एक्चुअली इंकरीजिंग फाइनेंशियल इनोवेशन ठीक है इसके बाद अगर आपके पास ये डेटा है अगर नहीं है मत लिखो याद नहीं आ रहा मत लिखो कुछ सिमिलर लाइन में है तो आप जरूर ऐसे फैक्ट्स जरूर इंक्लूड करना दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन ये बताता है दैट यस यू नो समथिंग यू हैव दैट एक्स्ट्रा नॉलेज राइट सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फंडेक्स डेटाबेस 2021 मुझे कहां से मिला

तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन आपके एक्सेप्ट होंगे अब हम बात करते हैं व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स हैज़ बाय दैट दीज आर वेरी सिंपल आंसर्स काफी सिंपल हैं। द वे यू आर स्ट्रक्चर योर आंसर मेक्स अ डिफरेंस एंड लेट्स योर आंसर आउटस्टैंड अदर आंसर्स। ठीक है are, and, uh, answers, तो आपके आंसर को डिफरेंट बनाता है और एक एज पे रखता है इन कंपेरिजन टू दी अदर आंसर लेट सपोज इन एग्जामिनर बैठा है हजार कॉपीज चेक कर रहा है सबके जनरल आंसर्स हैं सबके सिमिलर लाइंस पे आंसर्स हैं सबको वो जनरल या फिर एवरेज मार्क्स देता जाएगा आउट ऑफ फिफ्टीन लेट सपोज एट 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 दे रहा है बट इफ यू यू प्रोवाइड समथिंग समथिंग डिफरेंट इन दैट केस कैन एक्सपेक्ट द एग्जामिनर विल गिव यू हायर मार्क्स फॉर एक्साम्पल आपको इलेवन टेन टू इलेवन मार्क्स भी वो प्रोवाइड कर सकता है फर्स्ट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में आप बता सकते हो कि आरबीआई ने कैसे अभी फिफ्थ कोहोर्ट भी लॉन्च किया है इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट व्हाट व्हाट हैज बीन दी एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बाय आरबीआई इससे क्या हुआ है फॉर एग्जाम्पल सर्टन इनिशियटिव सर्टन सक्सेस स्टोरीज इज ऑल्सो इमिनेटेड फ्रॉम सच रेगुलेटरी सेंडवर्क फॉर एग्जाम्पल फेसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई वन टू थ्री पे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप हमेशा कोट करना कि रेगुलेटरी सेंडवर्स की वजह से यूपीआई वन टू थ्री पे जैसी चीजें भी आई हैं राइट एंड दे आर प्रोवाइडिंग डिजिटल पेमेंट्स एक्सेस टू दो पीपल इन द रूरल एरिया विद इंटरनेट कनेक्टिविटी इज लेस और नॉट देर इसके अलावा आप ग्लोबल हैकेथ के बारे में बता सकते हो हरबिंगर या हरबिंजर जो भी बोलो इसके बारे में बात कर सकते हो टेक्स प्रिंट के बारे में बात कर सकते हो इफ यू नो द थीम यू कैन ऑल्सो मैंशन दिस सो एनी थिंग रिलेटेड टू दिस यू कैन टॉक अबाउट हियर इसके अलावा आर बी आई एच सेक्शन एट कंपनी है एंड इट इज अ कंपनी दट फैसिलिटी प्रोवाइड इन एनवायरमेंट फॉर इनोवेशन ठीक है एंड वी ऑल नो आर बी आई एच का मेन एम क्या है टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इट वॉन्ट्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन एस्पेक्ट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है अगेन दिस आंसर जो बॉडी पार्ट है ना I hope you all know, और आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैल पर आप ये सारे पॉइंट भी लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर फिनटेक डिपार्टमेंट की बात करी ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप मिस नहीं कर सकते फिनटेक डिपार्टमेंट हो गया आर बी आई एच हो गया हरबिंगर हो गया है

so a maximum of 20 to 25 minutes will be available to you to write such an answer therefore always try to complete or wrap up every point within the stipulated time that is 20 to 25 minutes and within the stipulated words that is 600 so 550 फाइव हंड्रेड फाइव फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड इज द मैक्सिमम दैट यू कैन राइट इससे ऊपर प्लीज मत रहा अगेन दैट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड बाई द एग्जामिनर आपकी स्पीड चाहे जितनी भी अच्छी हो टाइपिंग स्पीड यू कैन नॉट अफोर्ड टू राइट मोर देन सिक्स हंड्रेड वर्ड्स ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू आई एल बी शेयरिंग द पी डी एफ विथ यू सो दैट आप इस आंसर को एक बार फिर से पढ़ लेना अगेन अगर आपको लगे कि यू हैव मोर पॉइंटर्स सो ऑलवेज गो फॉर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंटर्स द एक्सप्लेनेशन मे बी कु रिड्यूस्ड राइट अगर यहाँ पे चार लाइन लिखी है तो आप तीन लाइन लिख सकते हो यहाँ पे छह लाइन लिखी है तो आप फिर से दो से तीन लाइन तक लिख सकते हो कंक्लूजन पार्ट कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट वन लाइन कंक्लूजन डेक सेंस कंक्लूजन आपका अच्छा होना चाहिए और कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर बिटिंग अराउंड बुश मत करना ऑलवेज रिमेंबर की आपका कंक्लूजन में कुछ ऐसे होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ के उसको लगे हा दिस पर्सन एज रिटन समथिंग गुड एंड एक्स्ट्रा मार्क्स शुड बी गिवन फॉर दैट राइट सो रिटर्न टू टेक मोर सच विद द सपोर्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स होल्डर स्टेक होल्डर अप्रोच आप पढ़ते हो अपने मैनेजमेंट के चैप्टर्स में तो आपको ये हमेशा इंक्लूड करना है कि आरबीआई बाकी स्टेक, हो, स्टेक, हो, स्टेक होल्डर्स के साथ फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक के साथ न्यू बैंक गए फिनटेक कंपनीज आ गए सबके साथ मिलकर कमिटेड है इनिशियटिव करने के लिए एंड रिसेंटली आर ने बहुत सारे फिनटेक प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जि जिसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है बट यू फील दैट आर इंपॉर्टेंट आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो फॉर एक्जाम्पल यू पी लाइट हो गया क्रेडिट कार्ड लिंकेज प्रोग्राम्स हो गए क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट्स हो गए राइट इसके अलावा भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया पी टू पी फ्रेमवर्क हो गया आर right? का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो आर निकालती है सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट यू कैन इंक्लूड इन योर कंक्लूजन पार्ट हेन्स दरबी आई फोकस इज ऑलवेज बीन ऑन एंकरेजिंग इन by providing an enabling environment so now you have concluded that yes because of this rbi is always committed subkey support stakeholders approach follow kar rahi hai. however this is the important part and this is going to fetch you an additional mark you can say that with that the rbi as the guardian of financial stability has also remained watchful of any undue risk build up and responded to them accordingly no doubt RBI is doing lots of innovation in, into this space. However, RBI is also watchful and taking uh, timely actions and responding to them in a very uh, orderly manner so that the financial stability for which it is the guardian could be maintained into the economy. I hope. आपको समझ में आ गया है कि आपको एक आंसर आंसर को, को कैसे लिखना है दी अल्टीमेट गाइडलाइंस आपको समझ में आ गई राइट प्लीज फॉलो इट 40 दिन है बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या फेज वन तो हो जाए पहले फिर फेज टू की सोचेंगे तो ट्रस्ट मी डियर नाइन्थ जुलाई को आपका फेज वन है थर्टी जुलाई को आपका फेज टू है यू वुड बी गेटिंग मच टाइम देन इफ यू हैव

all the very best all all the very best take care and bye bye